घर से निकल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो मेरे ब्लॉग पे आप लोग बने रहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आप लोग को वहाँ पर जाकर ही मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि कहाँ जाऊँगी। अभी मैं दरवाज़ा भी बंद कर दूँ क्योंकि कुत्ता सब अंदर चला जाता है, तो घर पे कोई नहीं है। सासू माँ और ससुर जी बारी पे हैं, बारी में अपने काम करने गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। उधर देखिए, उधर मेरे पति भी साइकिल से जा रहे हैं अंकित कुमार को लेकर। अंकित कुमार आज पढ़ने नहीं गया है। अंकित कुमार कहाँ जा रहा है? बोल रहा है कि आज छुट्टी है, पढ़ने तो गया नहीं है और बोल रहा है कि छुट्टी है। ये देखिए मेरी भांजी है, कहाँ जा रही हो पहले बताओ, कहाँ जा रही हो? केन्ने केन्ने जा रहे तू? ओहरे जा रू काथी करे, काथी करे जा रू? मछली मारे, मछली ना मछली मारे। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग गांव से बाहर निकल चुके हैं, तो आज धूप भी नहीं है, बादल छाया हुआ है लेकिन बारिश भी नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग रास्ते पे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग रास्ते पे ही हैं। इधर देखिए आज कोई भी बच्चा नहीं पढ़ने गया है, सब हमारे साथ में जा रहा है। आज इन लोगों को पता नहीं आज क्या खास बात है कि इन लोग भी नहीं पढ़ने गया है। ये मेरा भांजे हैं, आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। मैं रास्ते से अभी मैं अपने बारी पे आई हूँ, यानी कि किचन गार्डन पे आई हूँ। इधर आप लोग देख सकते हैं कि इधर प्याज लगा हुआ है और इधर रामदाना लगा हुआ है, और इधर मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ कि इधर ये सब लहसुन है। अभी ये सूख रहा है लहसुन, तो इसको जब सूख जाएगा तो हम लोग इसको उखाड़ लेंगे। और इधर भी देख सकते हैं आप लोग कि इधर भी प्याज लगा है, और मैं आप लोग को दिखा दूँ कि इधर बैंगन है, आप लोग देखिए। इधर देखिए कितना बड़ा बड़ा बैंगन फला हुआ है, तो सासू माँ भी तोड़ चुकी है, एक बोरा तोड़ी है। तो हम तो इतना ज़्यादा बारी पे मेहनत करते नहीं हैं क्योंकि खेत का ही काम रहता है और घर का ही काम रहता है, इसलिए मैं बारी पे अपना टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो जो मेरे प्यारे सास ससुर हैं तो बारी में बहुत मेहनत करते हैं, बूढ़े हो गए हैं लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग दूर पे वहाँ पर दुकान के पास बैठी है मेरी सासू माँ, आप लोग देख सकते हैं कि उधर सासू माँ बैठी है, बहुत मेहनत करती है, सुबह से ही नहाकर खाना खाकर और बारी पे आ गई है काम करने। रास्ते पे जो लोग जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मेरा भी फ़ोटो खींच लीजिए, सब कोई मजाक कर रहे हैं। तो यही इधर देखिए, इधर छोटा छोटा भिंडी लगा हुआ है, उधर भिंडी लगा हुआ है लेकिन अभी छोटा छोटा हुआ, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। और मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ इधर मरचा है, आप लोग देख सकते हैं कि छोटा छोटा इसका पौधा है लेकिन फिर भी बहुत खड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं, और इधर देखिए इधर कटहल और कटहल का पौधा है। हाँ कथी का पौधा जामुन, इधर कटहल का पौधा है और उधर देखिए उधर जामुन का पौधा है। पौधा तैयार हो रहा है तो हम लोग उसको बाद में लगाया जाएगा इसको।